जैसे हमने एक क्लास बनाया ए बी सी, और यहाँ पर इंट एक्स वेरिएबल लिया है ना, और एक हमने void main फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हमने इंट वाई वेरिएबल लिया, और एक हमने फॉर लूप वेरिएबल मतलब फॉर लूप बनाया, और यहाँ पर ये जो भी लिखना था वो लिखा, और यहाँ पर भी हमने एक वेरिएबल ये जेड ले लिया। ये जो है आपका यहाँ क्लोज हो रहा है और ये आपका यहाँ क्लोज हो रहा है। अब जेड हमने डिक्लेयर किया है कहाँ, फॉर लूप के अंदर। अगर आप यहीं पर जेड की वैल्यू में कुछ कैलकुलेशन करके प्रिंट करोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेन यू प्रिंट आउट आउटसाइड द लूप, जेड इज डिक्लेयर इनसाइड द लूप, ये आउटसाइड जब लूप के बाहर आप इसे रिकॉग्नाइज करोगे तो ये एरर आएगा, इट इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आएगा। जबकि आप बोलोगे डिफाइन तो किया तो है। जेड वाला फिगर समझ में आया? यस सेम फॉर वाई केस। वाई में क्या है, अच्छा वाई को भी थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। वाई को आपने अगर यहाँ यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब वो अंदर तो जा सकता है बाहर नहीं निकल सकता। बाहर का मतलब है कि वाई को अगर आपने यहाँ पर भी यूज किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस ब्लॉक के अंदर आपने यूज किया, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन रहा है, ये वाई का ब्लॉक हो गया एक तरह से, कहीं पर भी मूव कर सकता है, ये वाई का एरिया है ना। जैसे ही आप वाई को यहां पर लेकर आते हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद वाई, यू कांट एक्सेस हियर वाई। ये वाई को हम यहाँ एक्सेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब इस वाई के ब्लॉक से बाहर निकल चुके हैं। अब क्लियर हो गया? यस सर।